ओवैसी के मंच से भारत को गाली देने वाली उस लड़की को तो आप याद रखते ही हैं, जिसका नाम अमूल्या था। लेकिन अब जो उसके बारे में खुलासा हो रहा है वो आपको जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से उसकी फेसबुक से चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ओवैसी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोन की चर्चा आज पूरे भारत में हो रही है। आपको बता दें, सीए और एनआरसी के विरोध में आयोजित एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली में मंच पर अमूल्या लियोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। चलिए आपको बता दें, अमूल्या लियोन ने पहले भी कई विवादित पोस्ट किए हैं और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने अमूल्या लियोन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर क्या कहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपको बता दें, अमूल्या लियोन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर अकाउंट, वो इससे पहले भी उन पर विवादित पोस्ट कर चुकी हैं। आपको बता दें, ओवैसी की रैली में जाने से पहले उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था। आपको बता दें, इससे पहले भी अमूल्या लियोन अपने फेसबुक पोस्ट में एनआरसी और सीए का विरोध करती रही हैं, और उन्होंने ओवैसी की रैली में जाने से पहले भी एक फेसबुक पोस्ट किया। ये पोस्ट बताता है कि उनका इरादा साफ था कि वो ओवैसी की रैली में जाएंगी और एनआरसी और सीए का विरोध करेंगी। लेकिन किसी को क्या पता था, वो वहां जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देंगे। वहीं आपको बता दें, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था और कई देशों के बारे में जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद और श्रीलंका जिंदाबाद लिखा था। यानी कहा जा सकता है, अमूल्या लियोन पहले भी पाकिस्तान जिंदाबाद का पोस्ट कर चुकी हैं। आइए अब आपको बता दें, इस पूरे मामले पर ओवैसी ने क्या कुछ कहा। मासूम बच्चे अगर कुछ बोल देते हैं तो सेडिशन। अच्छा, जामे मिलिया में 30 जनवरी के दिन जुलूस निकाला जा रहा था गोडसे के खिलाफ, गांधी के खातिलों के खिलाफ सत्याग्रह निकाला कर रखा जा रहा था, तो एक राम भक्त पूरी पुलिस के सामने, मीडिया के सामने अपना रिवॉल्वर निकाल कर शूट करता है, गोली मारता है। एक जामिया के बच्चे पर गोली लगती है हाथ पर, और उसके एक घंटे के बाद बीजेपी के लोग बोलना शुरू कर दिए, अरे नहीं नहीं वो जुवेनाइल है, वो बच्चा है, वो बच्चा है। अरे जब वो राम भक्त गोली मारा तो बच्चा है, मेरी बेटी की बेटी बच्ची नहीं है। तो वो गोली चला रहा है तो बच्चा हो सकता है कि उसकी उम्र 16-17 साल की होगी, मैं नहीं जानता, मगर ये तो 6 क्लास की है ना बच्ची, इसको इसकी माँ को जेल में डालेंगे। और वो गोली मारने वाला नहीं, वो तो बच्चा है। तो सुना आपने, ओवैसी ने साफ कह दिया कि हम मुस्लिम हैं, इसलिए इस लड़की को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन जामिया पर जब गोपाल गोली चलाता है तो उसे नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाता है, ये कहाँ का इंसाफ है। तो आपने देखा किस तरह से फेसबुक से क्या क्या देखने को मिला, आपको क्या लगा, अपनी राय जरूर रखिए। साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से पड़ताल करता रहेगा। नमस्कार।